बट ये मुझसे, मैं आपका बेटा नहीं हूं। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ, माँ से मेरा नाम है और माँ ही से मेरी पहचान है। ना मैं आपका बेटा हूं और ना ही आप मेरे पिता। सुना आपने? ऐसे मत बोल मेरे बेटे। तुम ना राजवीर है, तेरा पूरा नाम राजवीर करण लूथरा है बेटा। नहीं हूं आपका बेटा मैं। आपके कहने से बेटा नहीं बन जाऊंगा मैं आपका। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं तो दूसरों को बाप बेटा सब बुलाते हैं, लेकिन सिर्फ बुलाने से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते निभाने से बनते, प्यार से बनते, परवरिश, संस्कार, ये सारी चीजों से बनते हैं रिश्ते। आप मुझे बताइए ना, जब मैं छोटा था कहाँ थे आप, जब मैं बड़ा हो रहा था कहाँ थे आप, बताइए ना। मेरे साथ, मेरी माँ के साथ आप थे क्या? नहीं थे। हम अकेले रहते थे, मेरे लिए मेरी माँ और मेरे माँ के लिए मैं, हमारे लिए कोई नहीं था, आप तो कहीं नहीं थे। आज आप मुझे बेटा बोल रहे हैं, अपने आप को मेरा पिता बोल रहे हैं, कहाँ थे आप? अरे मुझे तो पता भी नहीं था पिता कैसे होते हैं, कहाँ है मेरे पिता, प्यार क्या होता है पिता का, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी माँ, उन्हें आपने किस हाल में छोड़ दिया, उनके साथ क्या क्या किया आपको पता भी है? कुछ नहीं पता है आपको उनके बारे में, कुछ नहीं पता है। उनकी याददाश्त चली गई, उन्हें कुछ याद नहीं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं उनका बेटा हूं, उन्हें ये नहीं पता कि उनका उनका पति कौन है। ये इंसान, अरे ये इंसान के सामने खड़ी होती है वो, उन्हें तो ये तक नहीं पता जिस इंसान की मदद कर रही है वो किसी जमाने में उनका पति हुआ करता था। उन्हें कुछ याद नहीं है, और ये सब किसकी वजह से? आपकी वजह से। ये सब कुछ आपने किया, ये सब कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। और पता है, आपने कभी पलट के तक नहीं देखा हमें, लेकिन मैंने पलट के देखा अपनी माँ को। वो जब भी दर्द में होती थी तो मेरे दिमाग में होता था कि सिर्फ सिर्फ इसका जिम्मेदार एक इंसान है जो कभी मेरे पिता हुआ करते होंगे, सिर्फ वो इंसान जिम्मेदार है। और मुझे नफरत होती थी आपसे, और अभी भी नफरत करता हूँ मैं आपसे, बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ आपसे। अरे इंसान को चिता मिल जाए लेकिन ऐसा पिता कभी ना मिले। ऐसे मत बोल, इतनी नफरत मत कर मुझसे। खून है तू मेरा, बेटा है तू, तू मेरा राजवीर है, सच तू मेरा बेटा है। अरे नहीं हूँ आपका बेटा मैं। इतनी नफरत मत कर मुझसे, दूर हटिए। बेटा मैं सच कह रहा, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है कि मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा नहीं किया। जब तू छोटा था तब मैं तेरे साथ में नहीं था, मैंने तेरी उंगली पकड़ के तुझे चलना नहीं सिखाया, तुझे अपने कंधे पे बिठाकर मैं तुझे घूमने नहीं लेकर गया। सच कह रहा हूँ, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मैंने की है नहीं की है, मुझसे हुई है नहीं हुई है, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, मैं बस तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मेरी गलती है। आपकी गलती मानने से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बहुत ही बुरे पिता और बहुत ही बुरे पति हैं। हो सकता है बेटा कि तेरी नजरों में मैं बहुत बहुत बुरा पिता हूं, बहुत बुरा पति हूं, हो सकता है कि तेरी नजरों में बुरा हूं, लेकिन सच में एक बार तू मेरे दिल के अंदर झांक करते, एक बार तुझे पता चलेगा कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। हाँ मेरी किस्मत बुरी है, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूं। अरे बहुत प्यार किया है मैंने प्रीता से, सच कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में किसी से मैंने इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार मैंने प्रीता से किया है। प्रीता के मिलने से पहले मुझे पता नहीं था कि जिंदगी क्या है, मैं सिर्फ सांसें ले रहा था। मुझे प्यार करना सिखाया है प्रीता ने, उसने मतलब बताया है कि जीवन का मतलब क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, एहसास का मतलब क्या होता है, उससे सीखा हूं मैं, सच कह रहा हूं। अगर प्रीता नहीं होती ना, आज मैं जिंदा नहीं होता। जो मैंने साल प्रीता के साथ में बिताए हैं, तेरे साथ में बिताए हैं, उन्हीं सालों के भरोसे मैं अब तक जिंदा हूं। प्रीता के बिछड़ने के बाद में मैं कैसे जिया हूं, रोज मैं 100-100 मौतें मरा हूं, मैं सिर्फ सांसें ले रहा था, मैं जिंदा नहीं था। मैं जानता हूं वो एक दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए था। सच अगर मैं अपनी जिंदगी से वो दिन मिटा दूं ना, मेरी जिंदगी ना इतनी खुशहाल हो गई होती, इतनी खुशहाल हो गई होती कि जिसके जिसके शब्द नहीं है मेरे पास। वो दिन आज भी मुझे याद है,
जब प्रीता तुझे और शौर्य को लेकर वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहती थी, मॉम ने 100 बार उसे ना बोला कि प्लीज आज मत जा, आज दिन अशुभ है, मत जा आज लेकर, लेकिन प्रीता नहीं मानी। रीना बुआ, राखी माँ, आप इतना कह रहे हैं मैं पक्का रुक जाती, लेकिन बात यह है कि बच्चों की जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर रजनी, वो UK के लिए निकल रही है और वो बेस्ट डॉक्टर है। मैं नहीं चाहती कि बच्चों को उनके अलावा कोई और वैक्सीनेट करे। उसने कहा नहीं, हम आज ही जाएंगे, मैं, प्रीता, शौर्य और तू, हम सब एक ही गाड़ी में जा रहे थे और हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट में हमने तुझे खो दिया। और वो एक्सीडेंट इतना बुरा था ना कि हम सब हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, सारे के सारे लोग, और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे कई दिनों तक, कई महीनों तक होश नहीं आया, मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पाया, अपने पांव पे चल नहीं पाया। और बाद में जब मुझे पता चला ना कि मेरे सारे घर वालों ने प्रीता पर इल्जाम लगाया है कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, और प्रीता सह नहीं पाई, सच कह रहा हूं, प्रीता सह नहीं पाई और वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसके लिए भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूं कि क्यों मैं बेहोश था, क्यों मुझे होश नहीं आया उस दिन जिस दिन प्रीता सब कुछ छोड़कर जा रही थी, क्यों मैं आंखें नहीं खोल पाया। अगर मैं अपनी आंखें खोल पाता, होश में आ पाता, तो मैं उसी दिन प्रीता को वापस ले आता। सच कह रहा हूँ राजवीर, उसी दिन मैं प्रीता को वापस ले आता। लेकिन बाद में मुझे एक और खबर मिली कि जिस गाड़ी से प्रीता जा रही थी उस गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया और प्रीता अभी इस दुनिया में नहीं है। वो मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी कि मैंने उन लोगों पर विश्वास कर लिया, उन चश्मदीद गवाहों पर, पुलिस पर, उन लोगों पर जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने गाड़ी को खाई में गिरते हुए देखा है और उस गाड़ी में जो भी था वो जिंदा नहीं बचा है। मैंने माना उनकी बातों को और मैं ये मानकर बैठा कि प्रीता इस दुनिया में नहीं है, तू इस दुनिया में नहीं है। उसके बावजूद मैंने तुम्हें बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन वो भी मेरी गलती है। शायद मैं थोड़ी सी कोशिश और करता ना, तुम लोग मुझे मिल जाते, लेकिन मेरी कोशिश, मेरी गलती है वो। सच कह रहा हूँ मेरे बेटे राजवीर, सच कह रहा हूँ, वो एक गलती, वो एक लम्हे की गलती और सदियों की सजा। उस गलती के लिए ना मैं अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, 100 मौतें मरने के लिए तैयार हूँ। उस गलती का गम मुझे जिंदगी भर रहेगा बेटा, उस एक गलती का गम जिस दिन मैंने ये मान लिया कि तू और प्रीता इस दुनिया में नहीं है। सच कह रहा हूँ मेरी गलती है, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ राजवीर, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, प्लीज राजवीर, प्लीज। बस हो गया आपका, क्योंकि आपके झूठे आंसू इन कहानियों में मैं नहीं आने वाला हूँ। जानता हूँ बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं आप, लेकिन आप नहीं जानते कि मुझ पर और मेरी माँ पर क्या बीती है, हम किस हाल में थे, हम कैसे उस रास्ते से गुजरे, आप कुछ नहीं जानते। मैंने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा, मैंने उन्हें दर्द में देखा, लेकिन अब बस बहुत हो गया, गलती हो गई मुझसे, मैं इस शहर में आया, आपसे बदला लेने आया था मैं, लेकिन आपने फिर मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा दिया। लेकिन अब मैं अपनी माँ को लेकर बहुत जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा कमशेदपुर, क्योंकि मुझे आपसे बहुत दूर रहना है, मुझे उस शहर में रहना ही नहीं जिस शहर में आप रहते हैं। नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं राजवीर, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कर, एक चांस है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जो अब तक बातें बिगड़ी है सब ठीक कर दूंगा, जो बिखरा है सारा समेट लूंगा। सच कुछ नहीं समेट सकते आप, और ना ही मैं आपको समेटने दूंगा। आपने शायद मेरी बात अच्छे से सुनी नहीं, मैंने क्या कहा, आप चाहे कुछ भी कर ले, ना मैं आपको माफ करूंगा, ना मैं अपनी माँ को यहाँ पर रहने दूंगा। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, कभी माफ नहीं करूंगा मैं आपको, कभी भी नहीं। बेटा बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे, सच कह रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, सच प्लीज। नहीं करते आप कोई प्यार। अरे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज एक मौका तो दे मुझे, एक बार माफ कर दे मुझे, अगर तू कहेगा ना पूरी दुनिया तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा मैं, पश्चात आपका एक 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 मौका दे दे, प्लीज प्लीज। नहीं दे सकता मैं, एक मौका नहीं दे सकता, ना ही आपको पश्चात आपका मौका दे सकता हूँ, आप अपने कान खोल के सुन लीजिए। नहीं, अजीब बात है ना राजवीर, जो मैं चाहता हूँ वो तू नहीं चाहता, और जो तू चाहता है वो मैं नहीं चाहता, मैं बस अपनी जिंदगी में एक चीज चाहता हूँ कि तू और प्रीता मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, और तू नहीं चाहता कि मैं तेरी जिंदगी में वापस आऊं। करण लूथरा जो तेरा बाप है, तेरा पिता है, तू जिसका खून है, बहुत प्यार करता हूँ, विश्वास कर मेरी बात पे, सच में बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अपने प्यार का नाटक बंद कीजिए।
तुझे वाकई लग रहा है मैं नाटक करता हूँ? हैं? बंद कीजिए अपने प्यार का नाटक। जानता हूँ बहुत अच्छे कलाकार, लेकिन ये अपना नॉनसेंस नाटक बंद कीजिए प्लीज। तुझे ऐसा लगता ना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता है? ये जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ मैंने बोला, सब झूठ है। वाकई तुझे लगता है ना ये? ठीक है, चल मेरे साथ, चल लेकर जा रहे, चल मेरे साथ। क्या बात है इंस्पेक्टर, अंशुमन ने आपको भी खरीद लिया है क्या? मुझे अंदर बंद कर दिया, उसे वहां पे खुला छोड़ दिया है। प्रॉब्लम क्या है आपकी, कोई पर्सनल इशू है? चलो बाहर आओ। अमलदार, क्या तरीका है? शौर्य को पीछे वाले लॉकर में लेकर जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? शौर्य के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसे खींच क्यों रहे? आप यहाँ क्या कर रही है? मैंने आपसे बोला तो था प्लीज यहाँ मत आइए, यहाँ पे गुंडे होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। आई डोंट वॉन्ट यू हियर, प्लीज प्लीज यहाँ से घर जाइए और वापस मत आना। नहीं शौर्य, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं कैसे ना आऊँ यहाँ पे? तुम लॉकअप में हो, मुझे कैसे चैन आएगा घर पे? ये कुछ ही दिनों की बात है, मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं यहाँ से जल्दी छूट जाऊंगा और घर ही आऊंगा। मैं आपसे घर पे मिलके बात करूंगा, प्लीज अभी के लिए घर जाइए। तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, लेकर जाओ, चलो प्लीज जाइए यहाँ से, दिस इज नॉट सेफ। इंस्पेक्टर ये क्यों कर रहे हैं आप, इतना रफ बिहेव करता है कोई बच्चे के साथ? ये क्रिमिनल नहीं है, क्यों आप इसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं? बोलेंगे कुछ, बताएंगे कुछ? जी इंस्पेक्टर साहब। यू अंशुमन पांडे, अब आप यहाँ पे नहीं आएंगे शौर्य से मिलने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर, इसमें मेरी क्या गलती है? उस आदमी ने मुझ पे हाथ उठाया है। देखिए, मैं यहाँ पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ, दिस इज माय ऑर्डर, आप यहाँ पे नहीं आएंगे बस। ओके फाइन, नहीं आऊंगा, लेकिन एक बार मैं अपने वकील के साथ जरूर आऊंगा और उस लड़के से मिलने नहीं, आपसे मिलने। मुझे शौर्य लूथरा के खिलाफ एक और नया केस करना है, वायलेंस का केस, मारपीट का केस। उसने मुझे कितना मारा, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, तो अब मैं करूंगा उस लड़के पे एक नया केस। यू जस्ट वेट एंड वॉच। इंस्पेक्टर ऐसे कैसे नया केस फाइल कर सकते हैं, आप कुछ बोले तो। चलो मेरे साथ आओ। क्या कर रहे हैं आप, विश्वास नहीं रहा तुम्हें मेरी बात पे? इधर आओ। मिस्टर लूथरा बंद कीजिए प्यार का दिखावा, ये इमोशनल अत्याचार, ये प्यार प्यार बंद कीजिए। अंशुमन पांडे कितना भी गलत हो, लेकिन उसने एक बार बिल्कुल सही। चुप, एकदम चुप। ये देखो, देखो ये एल्बम, हालत देखो इस एल्बम की, एक एक पन्ने की हालत देखो, देख रहे हो क्या हालत हो गई इस एल्बम की? क्यों हुई है ऐसे? 20 साल राजवीर, 20 साल हर रोज दिन में 100-100 बार इनको पलट पलट के मैं तुम्हारी बचपन की तस्वीरें देखता हूँ और रोता हूँ। मेरी आंखों से जो आंसू निकलते थे ना, उससे तस्वीरें पिघल गई हैं, लेकिन लेकिन तुम पिघलने के लिए तैयार नहीं, अब तक तैयार नहीं हो। वाकई में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार का नाटक कर रहा हूँ? नाटक ही कर रहे, दिखावा है ये सब। नहीं कर रहा मैं नाटक, मैं सच बोल रहा हूँ, और वो पूरी दुनिया जो तुम्हें कह रही है ना कि मैं नाटक करता हूँ, वो झूठ बोल रही है। तुम्हारा बाप, तुम्हारे डैड तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे बोल रहे हैं कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ जितना दुनिया में कोई नहीं करता होगा। कोई प्यार वार नहीं करते आप मुझसे, आप सिर्फ मैनिपुलेट करना जानते हैं, ये प्यार का दिखावा करके प्यार के जाल में फंसाना जानते। अब मुझे देखिए ना, मैं यहाँ पर आपसे इतनी नफरत करता था, लेकिन अभी आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। इस शहर में आया था आपको बर्बाद करने के लिए, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे आप अच्छे लगने लगे, क्यों? क्योंकि आपके शराफत के दिखावा देखकर। बहुत हो गया आपका ये दिखावा, बार बार फंस जाता हूँ आपकी जाल में, लेकिन अब आपकी जाल में फंसने नहीं वाला हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपके दिमाग में ये है ना कि मैं और मेरी माँ आपके जाल में फंस जाएंगे और आप हमें हासिल कर लेंगे, तो बिल्कुल गलत है। और एक बात, आप मेरी माँ से दूर रहिए, क्योंकि जब मैं आप दोनों को साथ में देखता हूँ ना, तो मेरे सीने में आग जलती है, मुझे नहीं पसंद आप दोनों को साथ में देखना। आप दोनों के साथ से नफरत है मुझे, आपसे नफरत है मुझे। मुझसे नफरत करते हैं? मतलब मेरे होने से नफरत है तुम्हें? जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते? क्या कहा तुमने? जब मैं पिता के आसपास होता हूँ तब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते? जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते? इतनी नफरत करते हो मुझसे? ठीक है राजवीर, अगर इतनी नफरत करते हो, इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, तो चलो ठीक है, आज तुम्हारी इस नफरत को ना मैं खत्म कर देता हूँ। आज तुम्हारी इस नफरत को खत्म कर देता हूँ।
आज इसका अंत होकर रहेगा। लेकिन याद रखना एक बात कि इस दुनिया में एक इंसान है जिसका नाम है करण लूथरा, जो तुमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने पिछले 20 साल एक दिन ऐसा नहीं गुजारा जिस दिन तुम्हें याद ना किया, एक पल ऐसा नहीं गुजारा जिस दिन उसने तुम्हें याद नहीं किया। मर मर के जियो पिछले 20 सालों से, इतना प्यार किया मैंने तुमसे और प्रीता से, दोनों से। पता तो मुझे बहुत पहले ही चल गया था कि तुम इस शहर में मुझे बर्बाद करने के लिए आए हो, लेकिन पता तुम्हें राजवीर, मैं तुम्हारे लिए बर्बाद भी होने के लिए तैयार था, टूटने के लिए तैयार था, मिट्टी में मिलने के लिए तैयार था। क्योंकि अगर मेरे बर्बाद होने से तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, तुम्हारी नफरत कम होती है, तो मैं एक बार नहीं 100 बार बर्बाद हो जाऊं। तुम अगर अपने हाथों से मेरे सीने में खंजर खोपते ना, उससे अगर तुम्हें सुकून मिलता तो भी मैं उफ नहीं करता, एक बार नहीं 1000 बार मेरे सीने में तुम खंजर खोप सकते थे और मैं कुछ नहीं बोलता। इतना प्यार करता मैं तुमसे और प्रीता से। एक बात सुन लो, अगर मेरी जिंदगी में तुम और प्रीता नहीं होना तो कोई मायने नहीं है इस जिंदगी के। ये जिंदगी है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है तो मैं जीऊं या मरूं किसको क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरे मरने से मेरे बेटे की नफरत खत्म होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, तो ठीक है, ऐसा ही सही। नहीं जीऊंगा मैं। एडवोकेट राकेश शर्मा, मैंने तुम्हें पैसे ऑफिस में बैठने के लिए दिए हैं, नहीं ना तो तुम यहां पुलिस स्टेशन क्यों नहीं पहुंचे। मैंने तुमसे कहा था कि हमें पुलिस स्टेशन चलना है, वो करण लूथरा और पीता ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करी है और अब मुझे लूथरास के अगेंस्ट एक और केस ठोकना है। मैं यहां पुलिस स्टेशन आया था शौर्य से मिलने और उसने मेरे साथ यहां मारपीट करी। अब मैं देखता हूं वो कैसे बचता है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम सीधे यहां पुलिस स्टेशन पहुंचो, समझे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मिस्टर पांडे, अभी अंदर क्या हो रहा था? मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, बॉडीगार्ड हूँ, सेक्रेटरी हूँ, कौन हूँ जो तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो? और मैं तुम्हें उसका जवाब दूँ, जो भी पूछना है ना जाके अपने बेटे से पूछो, उसने मुझ पे हाथ उठाया। Just shut up! उसने जो कुछ भी किया उसकी वजह आप है, आपने उसे प्रोवोक किया ऐसा करने के लिए और अब ना आपकी वजह से उसे अंदर वाले लॉकर में डाल दिया है, आपकी वजह से उससे अब मैं भी नहीं मिल पाऊंगी। ओह माय फेयर लेडी, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। तुम जानती हो मुझे लगा था कि तुम्हें सब पता होगा, लेकिन अफसोस तुम तो खुद ही लापता हो। कल रात तुम्हारा पति करण लूथरा मेरे घर आया था और उसने मेरे साथ मारपीट करी है और आज तुम्हारे बेटे ने पुलिस स्टेशन में मेरे साथ मारपीट करी है और पता है किसकी वजह से? वो अबला नारी गोरी चिट्टी बेचारी प्रीता की वजह से। अब तो मुझे यकीन हो गया कि प्रीता ने उन दोनों के कान भरे हैं, उनको आग लगाई है और अब वो मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तो मैं प्रीता को भी नहीं छोड़ूंगा और उन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं दिखाऊंगा कि अंशुमन पांडे चीज क्या है। मिस्टर पांडे, देखिए मैं आपसे ना कुछ बात कर मुझे कुछ बात नहीं सुननी है। अब आपको जो भी बात करनी है ना मेरे वकील से कीजिए और हाँ,
जो आपका बेटा है ना शौर्य लूथरा, जिसका खून बहुत गर्म है, बहुत उबाल मारता है, अब आई विल मेक श्योर कि अब वो जिंदगी भर सलाखों के पीछे ही सड़ेगा और मैं दिखाऊंगा उसे कि अंशुमन पांडे कौन है। अरे नहीं मिस्टर पांडे, मेरी बात तो हाथी जी अपना ये हाथी जी मुझे हाथी तो मांग रहा था मैं, वही तो नहीं दिया तूने। पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है। थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की, मेरी जान बचाई। बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। क्यों किया आपने? ऐसा कौन करता है? क्यों किया? क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों किया? क्योंकि मैं मर जाना चाहता हूँ राजवीर, मैं मर जाना चाहता हूँ, नहीं जीना चाहता। आपको क्या लगता है ये ऐसे कलाई काटने से मैं आपका पीछा छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा। आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। आप जहां जाएंगे वहां पीछे पीछे आऊंगा, साया बन के आऊंगा आपके पीछे। फिर कलाई काट के दिखाइए आप। सब कहते हैं आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, ये स्मार्ट है आप। हाथ काट लिया अपना, अरे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे आप भी ना। ये जो आपने किया बहुत गलत किया, बहुत गलत। लेकिन इससे पहले आपने कुछ सही किया भी तो नहीं है ना? सब कुछ गलत ही तो करते हैं आप, गलत सुनते हैं, गलत करते हैं, गलत समझते हैं। ये नहीं करना चाहिए था आपने। सच कह रहा हूँ बेटा, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे। तुझे विश्वास नहीं होता ना, मेरे दिल में झांक कर देख कितना प्यार करता हूँ मैं। सच कह रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे पता होता ना कि तुम दोनों कामशेदपुर में हो, मैं उसी वक्त कामशेदपुर में आता और तुम दोनों को लेकर या इस घर में वापस लेकर आता। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, तुम्हें वहां पर नहीं रुकने देता मैं। दादू, दादी, काव्या, कोई है? हेल्प। राजवीर, मत जा कहीं पर। सुन मेरी बात बेटा, सच कह रहा हूँ मैं तुझसे और प्रीता से बहुत प्यार करता हूँ, सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम दोनों के जाने के बाद ना इस घर में सब अपने थे, लेकिन सच में ये घर ना काटने को तोड़ता था। ऐसा लगता था जैसे इतने सारे अपने लोगों के बीच में मैं कहीं अकेला गुमसुम तुम लोगों की राह देख रहा था। और जिस दिन मुझे इस बात का पता चला ना कि तू मेरा बेटा है, इतना खुश हुआ ना मैं कि मेरे पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। मैं आके तुझसे मिलना चाहता था, तुझे गले लगाना चाहता था और मैं तेरे पास आया भी, लेकिन तब मुझे पता चला कि तू मुझसे नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि तू मुझे मुझे तोड़ देना चाहता है, मुझे मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। और मैं डर गया राजवीर, सच में मैं डर गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे तू गुस्से में आके मुझे मुझे वापस छोड़कर चला जाएगा, फिर मैं जिंदगी भर तुम दोनों को ढूंढता रहूंगा। अब तू कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, मुझे मुझे कुछ नहीं पता था। बस चुप हो जाइए, आप बोल बोल के थकते नहीं है क्या? और कहाँ है सब घर वाले? कहाँ है? कोई आ क्यों नहीं रहा? कोई घर में है नहीं क्या? अब दादू वादा कर तू मुझसे कि तू कहीं नहीं जाएगा, और हो सके तो राजवीर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, इतनी नफरत के काबिल नहीं हूं मैं। सच कह रहा हूं, मत कर इतनी नफरत मुझसे राजवीर, इतनी नफरत ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतनी नफरत से ना तू जी पाएगा और इतनी नफरत से मैं मर नहीं पाऊंगा राजवीर। प्लीज माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। Thank you.
कुछ महसूस सा हुआ। ये